आप लोग भी देख लो यहाँ पे सुबह सुबह युगांडा के गांव की हलचल, गांव बोल सकते हैं, टाउन बोल सकते हैं, कोई छोटा सा टाउन है इक्वेटोर, मतलब अभी मैं जहाँ पे हूँ ये है धरती का सेंटर। ये देखो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, इतनी सी दूरी में कितना डिफरेंस आ जाता है। ये फूल है ना, वहाँ पे मुंह कर रहा था, यहाँ पे बिल्कुल भी मुंह नहीं कर रहा अभी। यार ग्रैंडमा, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ युगांडा की कैपिटल कंपाला में। कंपाला में आए वैसे मुझे 3 दिन हो गया, लेकिन क्या है कि मैं मेरे होस्ट के घर पे ही रुका हुआ था, मैं कहीं भी बाहर नहीं निकला। साउथ सूडान में ट्रेवलिंग करने के बाद भाई थोड़े से ना आराम की जरूरत थी, वहाँ पे ट्रेवलिंग इतनी स्ट्रेसफुल थी पूछो मत, हर चीज पे दिक्कत वहाँ लोगों को। तो फिर मैंने सोचा युगांडा जाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेवलिंग शुरू करेंगे। आज मैं जा रहा हूँ युगांडा इक्वेटोरियल को घूमने। इक्वेटोरियल मतलब आप लोगों को पता होगा भूमध्य रेखा है ना, जो युगांडा होते हुए भी गुजरती है। तो युगांडा की कैपिटल कंपाला से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक सिटी है कायाबुए, तो कायाबुए से गुजरती है। तो आज हम लोग वहां जाएंगे भूमध्य रेखा, जहां पे धरती का सेंटर है। तो बाकी चीज़ें तो उसके बारे में तो वही चल के एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले आप लोग ये सफ़र है, ये जर्नी है, इसका आनंद लीजिए। मैं भी चलता हूँ। न्यू टैक्सी पार्क या हाउ मच? 5,000। टैक्सी पार्क स्टैंड को मैंने बोड़ा वाड़ा वाले को दिए हैं 6,000 युगांडन शिलिंग, वो होते हैं लगभग 132-133 इंडियन रुपीज। तो ठीक है यार, लगभग 12-13 किलोमीटर था, तो 12-13 किलोमीटर का 132-133 इंडियन रुपीज कोई ज्यादा नहीं है। भाई साहब क्या जबरदस्त टैक्सी का माहौल कर रखा है लोगों ने, चारों तरफ टैक्सी, इतना बड़ा टैक्सी पार्क यहाँ पे आप लोग देखो। अब मुझे देखना है कायाबुए कौन सी बस जाएगी, कायाबुए के लिए मुझे बस लेना है और फिर मैं पहुंचूंगा। लगभग 2-3 घंटे की हमारी ये टैक्सी की जर्नी होने वाली है। युगांडा का एक प्रोविंस है बुगांडा, और बुगांडा में कायाबुए जगह है, भूमध्य रेखा वहीं से होकर गुजरती है बुगांडा प्रोविंस में कायाबुए जगह से, तो वहीं चलने का अपना विचार है बुगांडा प्रोविंस में। यहाँ से मिलेगी मुझे कायाबुए के लिए टैक्सी, वो देखो सामने कायाबुए का आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा, तो उसी टैक्सी वाले को चल के पहुंचते हैं हम लोग। फुल हो गई, चलो ठीक है, फुल हो गई तो एक सीट तो मिल ही जाएगी। कायाबुए हाउ मच? 10,000। यार यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि जितनी प्राइस लोकल लोगों से चार्ज करते हैं ना, उतना ही प्राइस बाहर वालों से चार्ज करते हैं। थैंक यू। तो ये चीज अच्छा लगा, मतलब 10,000 मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, मैंने काफी लोगों से पूछा था कि कितना प्राइस है, उन्होंने मुझे बताया कि 10,000 युगांडन शिलिंग लगेगा आपका। अभी यहाँ से भरवा रहे हैं हमारे मटाटो में पेट्रोल, यहाँ का कोई पेट्रोल पंप है, आप लोग भी देख लो। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है ना वो है 5,000 युगांडन शिलिंग पर लीटर, 5,000 शिलिंग हो गया लगभग 111 इंडियन रुपीज। तो पेट्रोल का प्राइस तो वही है इंडिया में, हमारे रास्ता में भी लगभग 110 से 120 के बीच में चलता रहता है, और डीजल है 4,800 युगांडन शिलिंग, कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पेट्रोल पंप वगैरह अच्छे खासे देखने को मिलेंगे यहाँ पे आप लोगों को। ये कोई छोटा सा टाउन है, टाउन नहीं बोल सकते आप लोग इसको, गांव बोल सकते हो। भाई साहब यहाँ की रूरल लाइफ बहुत जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह आती जा रही है रास्ते में। यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स को उतरना था इसलिए मैं नीचे उतरा हूँ। आप लोग भी देख लो यहाँ पे सुबह सुबह युगांडा के गाँव की हलचल, गाँव बोल सकते है, टाउन बोल सकते है, कोई छोटा सा टाउन है। यहाँ पे अभी थोड़ी सी देर पहले वहाँ पीछे पैसेंजर उतरे और 2 मिनट चलते फिर से यहाँ पे रोक दिया इसको गाड़ी को। ये देखो चिकन वगैरह, बनाना वगैरह, वाह भाई वाह, जबरदस्त है ना रूरल लाइफ स्टाइल। ये इधर है यहाँ का मार्केट है।
आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी जैसे थोड़ा सा टाउन से बाहर निकलोगे तो। हम लोग कायाबे जगह है ना वहाँ पे पहुंच गए और यहाँ से युगांडा इक्वेटर है ना लगभग 11 किलोमीटर दूर है। कायाबे डिस्ट्रिक्ट की झलक कुछ ऐसी आप लोग भी देख लो, काम धंधे में लग गए हैं, अपने अपनी शॉप्स वगैरह ओपन करके बैठ गए हैं। यहाँ पे जहाँ भी मटाटो रुकता है ना वहाँ पे बेचने वाले जरूर आ जाएंगे। ओके ओके, ये भाई साहब है जो सुबह सुबह चपाती लेके खड़े हो गए यहाँ पे, और ये मेरे साथी हैं बगल वाले भाई साहब है जो उतर रहे हैं, इसलिए मेरे को यहाँ पे उतरना पड़ा है। ये भाई साहब क्या आ गया? से व्हाट से इस भाई साहब को बड़ी दिक्कत हो रही है रिकॉर्डिंग से। व्हाट गिव भाई साहब पैसे मांग रहे हैं रिकॉर्डिंग के। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कायाबे इक्वेटर। काफी दिनों से मैं यही देख रहा था यार कभी युगांडा वापस जाऊंगा ना तो मैं इक्वेटर को जरूर घूमूंगा। और यहाँ पे इतनी कोई खास ज्यादा वो बड़ी जगह है नहीं, छोटी सी जगह है, छोटा सा मार्केट है इक्वेटर। इक्वेटर मतलब अभी मैं जहाँ पे हूँ ये है धरती का सेंटर, अभी मैं मिड में हूँ धरती के। तो आप लोगों को बताता हूँ यहाँ की जगह के बारे में, इक्वेटर के बारे में, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और जो ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड होते हैं ना उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। ये देखो पीछे इक्वेटर युगांडा, एक वहां बना रखा है और एक बना रखा है ये वाला। तो अभी कोई बंदा यहाँ पे आए फिर थोड़ा सा उसे गाइडेंस लेंगे और आप लोगों को घुमाऊंगा फिराऊंगा इक्वेटर। और यहाँ का मार्केट वगैरह कुछ ऐसा है, ये सामने देखो छोटी सी जगह इक्वेटर। पहले थोड़ा मार्केट वगैरह दिखा देता हूँ फिर इसके बारे में काफी कुछ चीजें बताऊंगा, एन क्या है, एस क्या है, इक्वेटर क्या है, ठीक है, क्योंकि अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह है। अभी मैं धरती के बीच में हूँ, बीचों बीच में खड़ा हूँ धरती के। एक आते टूरिस्ट है, ज्यादा टूरिस्ट है नहीं। ये देखो यहाँ पे शॉपिंग वगैरह। ओके आई एम मेकिंग वीडियो देन आई विल कम बैक, आई एम मेकिंग वीडियो देन आई विल कम बैक। ये इक्वेटर लाइन है ना भूमध्य रेखा, ये दुनिया के 13 देशों से गुजरती है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो गुजरती इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील से होती हुई। अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो भूमध्य रेखा गुजरती है साउथ टॉम गेबोन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो युगांडा केन्या सोमालिया। और बाकी एशियन कंट्रीज की बात करें तो वो गुजरती है मालदीव इंडोनेशिया एंड किरीबस। तो इनमें से मैं काफ़ी सारी कंट्रीज तो घूम चुका जो ये इक्वेटर लाइन गुजरती है ना, जैसे मैं केन्या घूम चुका, मालदीव घूम चुका, इंडोनेशिया घूम चुका, और ये युगांडा मेरी चौथी ऐसी कंट्री है 13 में जहाँ से इक्वेटर लाइन गुजरती है। लेकिन मैं पहली बार इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा को घूम रहा हूँ। अब ये आप लोगों को दिख रहा है एन और एस। एन और एस का मतलब होता है कि ये जो जगह है ना इस साइड में है इस धरती का नॉर्थ पार्ट और इस साइड में है साउथ पार्ट। जैसे यह इक्वेटर लाइन है ना तो यहाँ पे वेदर है ना ज्यादातर सेम ही रहता है, ठीक है, हमेशा ना ही यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा सर्दी होती है। तो क्या होता है कि जब साउथ पार्ट में इस टाइम गर्मी होगी ना तो धरती के नॉर्थ पार्ट में सर्दी होगी। और ये पता है क्या है, इक्वेटर लाइन के इस साइड में आप लोग यदि ये पानी घूमेगा ना ये घूमेगा क्लॉकवाइज, और ये इक्वेटर लाइन के यहाँ पे है, यहाँ पे पानी मूव नहीं करेगा, यहाँ पे पानी स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। और एक इधर है वो देखो वो हो गई इक्वेटर लाइन, और एक है यहाँ पे पानी में वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग देखो तो अभी कोई यहाँ पे मुझे बंदा मिलेगा ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्लॉकवाइज और कैसे एंटी क्लॉकवाइज ये घूमेंगे। आप लोग देखो इतनी सी जगह में इतना डिफरेंस आ जाएगा कि यह भूमध्य रेखा उधर घूमेगा क्लॉकवाइज पानी और इधर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज पानी। हेलो ब्रदर हाउ आर यू, आई वांट टू सी दिस वन, एनीवन कैन शो मी, हाउ मच डू यू चार्ज? 20, आई कैन पे 10,000, 10,000, सॉरी। ये भाई ना यहाँ पे दिखाने का ना मुझे बोला है कि 20,000 चार्ज करूंगा। और यहाँ पे काफी सारे लोग आ गए हैं, अभी तो जब मैं आया था ना तब मैं अकेला ही सोच रहा था, मैं सोचा यार मैं ही घूमने आया हूँ क्या इसको, लेकिन अब काफी लोग आ गए यहाँ पे चाइना वगैरह से और भी काफी जगहों से लोग घूमने आते हैं। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, मैंने पढ़ा था कि इक्वेटर लाइन जब भी आप भूमध्य रेखा के पास में जाओगे या भूमध्य रेखा यहाँ पे बीचों बीच में खड़े होगे ना तो आपका जो वेट है ना वो 3% कम हो जाएगा। मतलब आप वेट करोगे ना तो आपका वेट 3% कम मिलेगा आप लोगों को। अब आप लोगों को बताता हूँ यहाँ का फंडा, सदन सेमीफायर
यहाँ पे अभी हम लोग पानी डालेंगे, इसके ऊपर एक फूल रखेंगे, वो ये आप लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि पानी है ना एंटी क्लॉकवाइज घूमता है यहाँ पे। या थैंक यू ब्रदर। सो अल्फ्रेड पास्को मुंगे आर माय नेम्स। अल्फ्रेड, ओके, शॉर्ट नेम अल्फ्रेड, ओके, माय नेम इज कैलाश। कैलाश, मिस्टर कैलाश, वेलकम एट द इक्वेटोरियल इन युगांडा। थैंक यू। टू डू अ ज्योग्राफिक एक्सपेरिमेंट, ओके, प्रूव दैट द फोर्सेस ऑफ साउथ एंड द नॉर्थ डोंट स्पिन द सेम। ओके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तंजानिया, रुवांडा, साउथ। ओके, दिस इज साउथ। यस, ओके, इंडिया, जर्मनी, नेदरलैंड्स, स्वीडन, कैलिफोर्निया, कनाडा, यूरोप, नॉर्थ। दैट इज नॉर्थ। यस, ओके, देन द येलो लाइन यू सी, इक्वेटर लाइन। या दिस इज जीरो अल्टीट्यूड, इक्वेटर लाइन। क्रॉसेस ओनली 13 कंट्रीज। या ओनली 13 कंट्रीज। इक्वाडोर, कोलंबिया, या ब्राजील, या साउथ टोमे, या गाबोन, या कांगो ब्राजाविल, या डीआरसी, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, गोरोंटालो एंड बोर्नाओ। मालदीव्स आल्सो। Maldives. Yeah. Sure. Yeah. Maldives. I read in the morning Maldives also. Maldives, Kiribati. Okay. Yeah, it's okay. Okay. So we are going to do an experiment to prove that the forces of South and North don't spin the same. Okay. Southern hemisphere, when you flush your toilet, those in South Africa, the water spins anti. Then Northern hemisphere, those in India, the water spins clockwise. Clockwise? This and is anti-clockwise. So guys, abhi experiment karne ja rahe hain. Ye hai सदर्न हेमिस्फायर, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे पानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब देखो ये पानी डाला है इसमें, ये पानी को स्टेबल किया, ठीक है, आप लोग कहीं सोचो कि ये पानी घूम रहा है, ये पानी को स्टेबल किया, ये डाल के अब इसमें डालेगा और ये फूल घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। या पुट पुट, ये देखो ये पानी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। वाह ब्रदर, ये साउथ गोलार्ध यहाँ पे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, और अब हम लोग जा रहे हैं नॉर्दर्न गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न गोलार्ध, यहाँ पे घूमेगा पानी क्लॉकवाइज। फूल रखेगा अब, ये लो, ये देखो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। देखा गाइज, इतनी सी दूरी में कितना डिफरेंस आ जाता है। Yeah. So, okay. 21st March, 21st of March. Yeah. 23rd of September. Yeah. The equatorial equinox days in Uganda. Okay. On those two dates. Yeah. The sun is overhead the equator line. तो भाई साहब बात ऐसी है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को यदि यहाँ पे क्या है कि सन है ना जो बिल्कुल ये जीरो एल्टीट्यूड इक्वेटोरियल लाइन है ना यहाँ पे आ जाता है, और यदि आप यहाँ पे खड़े होगे ना तो आपकी शैडो नहीं दिखेगी, बिल्कुल हेड पे रहेगा यहाँ पे जो सन है ना। और अब हम आ गए हैं सेंटर में, जीरो लैटिट्यूड, सो वाटर विल नॉट मूव हियर, राइट, ओके। यहाँ पे क्या है कि जीरो लैटिट्यूड में पानी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, देखना अभी आप लोग थोड़ी सी देर में। ये स्टेबल कर दिया बंदे ने, वीडियो इज ऑन। ये देखो ये डाला, देखो ये फूल है ना वहां पे मुंह कर रहा था, यहाँ पे बिल्कुल भी मुंह नहीं कर रहा अभी, देखा गाइस। ओके, मुश्किल से 10 कदम की दूरी है, 10 कदम की दूरी पे इतना फर्क आ जाता है कि पानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमता है, और यहाँ पे पानी स्टेबल रहता है जीरो लैटिट्यूड में। ये है साउथ पार्ट, इधर आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी कंट्रीज। ये है नॉर्थ पार्ट, इधर आपको मिलेगा इंडिया वगैरह, चाइना वगैरह, जापान वगैरह, यूरोप वगैरह, सारी की सारी कंट्रीज इस साइड में मिलेगी आप लोगों को। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट देते हैं, यदि आप कभी भी यहाँ पे घूमने आओगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे एक सर्टिफिकेट देंगे। यस ब्रो, ओके, देखो यहाँ पे मुझे डेट टाइम नाम वगैरह भरना है, फिर मुझे मिल जाएगा सर्टिफिकेट कि मैंने युगांडा इक्वेटोरियल लाइन को घूमा है। सो गाइज, अभी मैं हूँ युगांडा इक्वेटोरियल लाइन पे, यहाँ पे देखो मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, इन लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। यदि आप लोग कभी भी यहाँ पे घूमने आओगे तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप लोगों ने भूमध्य रेखा को घूमा है, और ये है सुबह में काफी जल्दी आ गया था, मैंने सोचा यार यहाँ पे क्या है, कोई घूमने फिरने नहीं आया, लेकिन अब तो भाई इतनी भीड़ लग गई है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लोग फोटो खींच रहे हैं, वहाँ पे सामने भी काफी सारे लोग फोटो खींच रहे हैं। अभी थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूमते हैं और फिर हम लोग इस वीडियो को खत्म कर देंगे। ये देखो यहाँ की मार्केट वगैरह कुछ ऐसे है। हेलो, हाउ आर यू,
Yeah, I'm good. You are, this is your shop? Yeah. Oh, nice. So you are selling these clothes? Yeah. Okay. What's your name? Liz. Nice name. This is your kid? Grandchild. Huh? My grandchild. Your grandchild? Oh, you are grandmother? Yeah. Oh. I'm grandma. Some you are grandma? Bhai sahab, ye mohtarma keh rahi hai ki ye meri poti hai. Ye kahan si poti lag rahi hai iski yaar? Ah, not possible. You look like 35. How old you are? I'm 43. You are 43? Yeah. And you became grandmother? टूरिस्ट काफ़ी आते हैं यार, बाकी आप लोगों को युगांडा में ना ऐसे नॉर्मली इतने बाहर के लोग मिलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग आते हैं। यहाँ पे इनके लोकल कपड़े वगैरह, ठीक है, क्लोथ्स वगैरह आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं युगांडा के, लेकिन महंगे तो मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे टूरिस्टिक प्लेस है ना, तो टूरिस्टिक प्लेस में आप लोगों को, अब जैसे ये एक कैप है, ये कैप ना आप लोगों को कम से कम $15 की देंगे। ये मटाटू है ना, ये सारे कंपाला से ही आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है रेस्टोरेंट वगैरह खाने पीने का जुगाड़ नहीं मिलेगा आप लोगों को, रेस्टोरेंट वगैरह आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ खाने पीने का जुगाड़ होता है तो ठीक है, नहीं फिर वापस हम लोग कंपाला चल के ही खाएंगे। वैसे 11 बज गए, मुझे लगता है मुझे कुछ खा लेना चाहिए। ओनली पैशन फ्रूट, ओके। मैंने यहाँ पे क्या है कि यार एप्पल जूस भी ऑर्डर किया था और रोलेक्स भी ऑर्डर किया था, लेकिन इनके पास पाइन एप्पल है नहीं। ओके, वन पैशन फ्रूट, ओके। तो क्या है कि पाइन एप्पल है नहीं, तो चलो पैशन फ्रूट से ही काम चलाना पड़ेगा। यह रोलेक्स, इसका प्राइस है 5,000 युगांडन शिलिंग, और जो पैशन फ्रूट है उसका प्राइस है 7,000 युगांडन शिलिंग। टोटल हो गए 12,000 युगांडन शिलिंग, जो होते हैं 267 इंडियन रुपीज के लगभग। तो गाइस, ये था इस वीडियो के बारे में। आई होप कि जो युगांडा इक्वेटोर लाइन है, भूमध्य रेखा का वीडियो है, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।